बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लूटेन फ्री पैनकेक की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। पैनकेक के लिए जो अज्जा हमें चाहिए, इनमें बेसन 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 अंडा, दूध हसबे ज़रूरत होगा और चीनी हसबे जायका। फ्लेवर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरीज। आप वनीला एसेंस भी 1/2 टीस्पून यूज कर सकते हैं, या अगर आप कोई दूसरा एसेंस यूज करना चाहते हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई फ्रेश फ्रूट्स हैं तो उनमें से आप कोई भी फ्रूट यूज कर सकते हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लें, उसमें स्ट्रॉबेरीज डालें और चीनी और थोड़ा सा दूध डाल लें और इसको आप ग्राइंड कर लें, मैश कर लें, जैसे भी है। अगर क्योंकि इसकी हमें पहले प्यूरी बनानी है, इस तरह से हमने प्योरी बना ली है। अगर आप एसेंस यूज करें तो फिर आपको हैंड बीटर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उस वक्त फिर आप सिंपल किसी भी विस्क से इसको विस्क कर लेंगे। इसके बाद आप इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर ऐड कर लें। और इनको आप विस्क की मदद से या स्पून से, जैसे आपको इजी लगे, आप इसको मिक्स करें। अगर आपको लगता है कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं है तो आप इसमें दूध और डाल लें, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मैं इसमें 1 अंडा डालूंगी। बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इतनी होनी चाहिए कि जैसे ही आप डालें तो वो फैल जाए और एक जगह जो है वो जमे ना। ठीक है, तो अब हम इनको पैनकेक बना लेते हैं। पैनकेक के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल या बटर, घी, जो भी आप लोग इस्तेमाल करना चाहें वो जरूरत पड़ेगा फ्राइंग के लिए। अब एक पैन को आप हल्का सा बटर के साथ ग्रीस कर लें, फिर आप इसमें बटर डालें और फौरन से इसको पूरे पैन में फैला दें। थोड़ी सी देर के बाद आप इसको थोड़ा सा बटर आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको पलटने से पहले आप बटर लगा लें दूसरी साइड पे भी। अब आप इसको पलट लें, इस तरह से दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो आप इसको उतार लें। अब ये रेडी हो गया है, मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। इस तरह से आप बाकी सारे भी बना लें। पैनकेक्स आपने बनाए हैं उनको, जो पैनकेक आपने बनाए हैं उनको सर्व करने के लिए आप इनमें जैम लगा सकती हैं, आप हनी यूज कर सकते हैं, और चॉकलेट सिरप भी मैंने आपके साथ शेयर किया है ग्लूटेन फ्री पर। चॉकलेट स्प्रेड, चॉकलेट सिरप, कोई भी जैम वगैरह भी यूज कर सकती हैं, और फिर इसको रोल ऑन करके आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, और इसको आप अगर जैम के साथ लेना चाहते हैं तो जैम के साथ, हनी भी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है इसके साथ, तो आप इस तरह से इसको काट लें। बहुत मज़े का रोल की तरह है, तो छोटे छोटे रोल्स की फॉर्म में इसको काट लें, और फिर इसको दोबारा हम उसी बैटर में डिप करके फ्राई कर लेते हैं। अब आप इन्हीं रोल्स को दोबारा उसी बैटर में हल्का सा डिप करके और इसको दोबारा हम पैन में फ्राई कर लेते हैं। इससे ये होगा कि बच्चे जो है वो इसको ज़्यादा शौक से एज अ रोल खाना पसंद करेंगे, तो आप इसको इस तरह से
फ्राई कर लें। इसकी साइड को भी कुक करने के लिए आप इसको ऐसे कर लें ताकि जो बैटर हमने यूज किया है वो पूरी तरह से पक जाए। इस तरह से आप इसको एक नई क्रिएटिविटी के साथ एक डिफरेंट बना सकते हैं। तो जिन बच्चों को ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, सेलिक पेशेंट्स हैं और इवन बड़े भी जो है वो इसको अपने टी टाइम में, लंच में यूज कर सकते हैं। होपफुली दे विल एंजॉय इट और आप लोग मेरी रेसिपी को होपफुली लाइक करेंगे। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।